हेलो वेरी गुड आफ्टरनून ग्रीटिंग्स टू ऑल एंड वेलकम टू टेस्टबुक. बुक डॉट कॉम माने में श्री तिवारी एंड आई वेलकम टू यू ऑल ऑन द प्लेटफॉर्म ऑफ टेस्टबुक. बुक डॉट कॉम तो चलेगा सभी का स्वागत है आज के सेशन में सभी को नमस्कार सभी लोग जल्दी से आ जाइए और स्टार्ट करते हैं हम लोग आज का सेशन मैं एक बार इसको टेलीग्राम पे भी शेयर कर देता हूँ सो दैट जो भी कैंडिडेट हैं वो सभी इसको जल्दी से आकर के ज्वाइन कर सकें ठीक है चलिए दोस्तों चलिए दोस्तों सो आई होप की ऑडियो वीडियो सब कुछ क्लियर है आप प्रॉपर तरीके से चीज़ें सुन पा रहे हैं देख पा रहे हैं एवरीथिंग इज़ फाइन ठीक है चलिए दोस्तों यस नमस्कार 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 सभी का स्वागत So, चलिए दोस्तों शुरुआत किया जाए आज का सेशन साक्षी वर्ल्ड गेम वॉर है ना यस yes. so, चलिए गाइस ऑडियो वीडियो सब कुछ क्लियर और जैसा कि ऑलरेडी प्रॉमिस हुआ है आप सभी के साथ कि इस समय चल रहा है हमारा टेक्स्ट बुक ये जो सेल है दोस्तों है ना तो जितने लोगों ने अभी भी ना इस सेल में इनरोल नहीं किया है मैं सभी को बोलूंगा कि इस सेल में इनरोल जरूर कर ले अपने को है ना और ये जो सेल है ना बहुत बेनिफिशियल है अगर अभी भी नहीं किया है तो जल्दी से एनरोल कर लीजिएगा बाकी इसके जो पी वगैरह है वो सब मिल जाएंगे आपको मेरे टेलीग्राम ग्रुप पर और टेलीग्राम ग्रुप का नाम याद रखेगा दट इज अस्ट स्यूसर टेस्ट बुक ठीक है सो मेक श्योर कि आप इसको जरूर ज्वाइन कर लें मेरे हर एक लेक्चर्स के जो भी मैराथन सेशंस होते हैं रेगुलर सेशंस होते हैं वो सारे अपडेट आपको यहीं पर ही मिलेंगे रेगुलर ठीक है तो आप इसको एक बार जरूर ज्वाइन कर लें क्विजेस वगैरह जो भी हैं ये सब यहाँ पर मिलते रहेंगे ठीक है और ये जो दोस्तों इस समय सेल है इसका आज आखिरी दिन है है ना तो इस पर डिस्काउंट पाने के लिए आप यूज कर सकते हैं कूपन कोड दैट इज एस एच आई वी के टी ठीक है और ये जो कूपन कोड है ये सभी कोर्सेज पर एप्लीकेबल है है ना चाहे आप किसी भी कोर्स को एनरोल करें डबल ए आई ए टी सी हो एजे हो है ना डबल और दूसरा एस एस सी आई एम डी हो या डी आर डी ओ की तैयारी कर रहे हैं तो ये सभी पर एप्लीकेबल है साथ में इसमें डेली या हम कह सकते हैं कि अब मौका है जीतने का फाइव हंड्रेड जो पठान मूवी के टिकट्स हैं ठीक है ये भी जीतने का मौका है और नाइन्टी परसेंट तक का डिस्काउंट अवेलेबल है दोस्तों ठीक है सो चलिए रुक करते हैं हम लोग आज के सेशन की और देखते हैं कि आज का सेशन में कौन कौन से सवाल हैं बाकी आप मास्टर क्लास में जुड़ सकते हैं हमारे साथ मंडे टू फ्राइडे और ये जो सेशन होता है ये होता है थ्री पी पर दोस्तों ठीक है सो सभी लोग तैयार हैं एक बार मुझे बता दीजिए और फिर शुरुआत कर देते हैं हम लोग आज के सेशन का सबसे पहला क्वेश्चन और ये रहा दोस्तों आज के सेशन का सबसे पहला क्वेश्चन आप सभी के सामने जो भी लोग जुड़ते चले जाए सो प्लीज मेक श्योर से के सेशन को लाइक करके शेयर करके अटेंडेंस जरूर मार्क करना ठीक है ओके आपका नाम रोहित है ठीक है चलिए रोहित है ना स्वागत है प्रिया आदित्य चलिए सो सबसे पहला क्वेश्चन दोस्तों देखिए क्या पूछा गया है कि बिफोर कमिंग द रूल ऑफ मॉरियन डायनेस्टी एम्पर अशोका वॉज द गवर्नर ऑफ विच लोकेशन अशोक के बारे में आपने पढ़ा है कि अशोक जो था सन ऑफ बिंदुसार और आप या फिर कह सकते हैं कि ग्रांड सन ऑफ चंद्रगुप्त मौर्य ठीक है तो वो चंद्रगुप्त मौर्य का ग्रांड सन था बिंदुसार का बेटा था और 269 सिक्सटी में वो कहाँ पर आता है कोरोनेशन होता है 269 सिक्सटी में उसका राज तिलक होता है दोस्तों ठीक है 269 सिक्सटी में उसका राज तिलक होता है उसके बाद 261 सिक्सटी वन में वो युद्ध लड़ता है और उस युद्ध का नाम क्या था आप सभी को मालूम है कलिंगा तो कलिंगा का जो युद्ध लड़ता है वो कब लड़ता है वो टू सिक्सटी में दोस्तों है ना उसके बाद में, में फिर 250 में वो बुद्धिजम की तीसरी काउंसिल को ऑर्गेनाइज करता है और 232 थर्टी टू में उसकी डेथ हो जाती है तो आप सभी को अगर मालूम हो कि ये जो गवर्नर था वो कहाँ का गवर्नर हुआ करता था राजा बनने से पहले उज्जैन का तो अपने पिता बिंदुसार के समय में इसके जो पिता का नाम था वो था बिंदुसार और बिंदुसार के टाइम पीरियड में अगर हम लोग देखने जाएं तो वो कहाँ का गवर्नर था तो याद रखिएगा ही वॉज द गवर्नर ऑफ उज्जैन ठीक है ही वॉज द गवर्नर ऑफ उज्जैन काफ़ी सारे लोगों ने टिक कर दिया है और उज्जैन आप सभी जानते हैं कि, कि किस नदी के किनारे स्थित है और इट इज़ लोकेटेड ऑन द बैंक ऑफ छिप्रा रिवर ठीक है तो ये छिप्रा नदी के किनारे स्थित है ठीक है अगला सवाल देखिएगा जरा पूछा गया है कि हु एड्रेस द फोर्थ एडिशन ऑफ फ्यूचर इन्वेस्टमेंट इनिशियट ऑफ फॉरम टू थाउजेंड ट्वेंटी अपूर्व काफी सारे लोगों के आंसर आ रहे हैं इसी तरीके से करते रहिए बताइएगा कि इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या होगा और आप निम्नलिखित में से किस ऑप्शन को टिक करेंगे वन होगा टू होगा थ्री होगा या फिर फोर इस क्वेश्चन का जो राइट right आंसर है दैट इज ऑप्शन फोर इज द राइट आंसर डॉक्टर हर्षवर्धन इज द करेक्ट ऑप्शन दोस्तों ठीक है चलिए अगला सवाल है नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग पूछने जा रहे हैं पूछा गया है कि हु केम टू द इंडिया ड्यूरिंग द टाइम ऑफ चंद्रगुप्त मौर्य चंद्रगुप्त मौर्य आपने पढ़ा है फाउंडर ऑफ द मौर्य मौर्य डायनेस्टी तो ये डायनेस्टी का फाउंडर था और इसमें इसकी हेल्प की थी किसने चाणक्य ने विष्णुगुप्त ने या कौटिल्य ने और इसका टाइम पीरियड हम लोग देखते हैं कि 222 बीसी से लेकर के है ना 222 बीसी से लेकर के इसका टाइम पीरियड रहता है 293 बीसी थ्री बी सी तक टू नाइन्टी तक यह हम लोग देखते हैं तो इसके समय विदेश से आने वाला व्यक्ति कौन था तो आपने एक बैटल पढ़ा होगा कि चंद्रगुप्त मौर्य का एक बैटल होता है 305 जीरो में जो अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट बैटल होता है 305 जीरो में और ये बैटल होता है किसके बीच में सेल्यूकस निकेटर ठीक है इसमें रहता है सेल्यूकस निकेटर वर्सेस ठीक है सेल्यूकस निकेटर वर्सेस याद रखेगा अलेक्जेंडर अलेक्जेंडर कैसे हो सकता है हम लोग पढ़ लेने जा रहे हैं किसके बारे में चंद्रगुप्त मौर्य तो अलेक्जेंडर और पोरस का हुआ था ठीक है तो बैटल थोड़ा सा ध्यान देना पड़ेगा दोस्त है ना और यहाँ पे था चंद्रगुप्त मौर्य तो आपको मालूम है कि सेल्यूकस निकेटर पहले तो चार प्रोविंस भी सरेंडर करता है और इसकी बेटी हेलेना का विवाह होता है और साथ में अपने राजदूत को भी भेजता है जिसका नाम क्या था मेगस्थनीज तो ये सारी चीजें जाती हैं चंद्रगुप्त मौर्य के यहाँ नहीं ना? और चंद्रगुप्त दे तो करता है, है चंद्रगुप्त और हेलेना का विवाह हो जाता है तो इतना तो पढ़ाया ना सभी ने आयुब की सभी का यहाँ पे सही आंसर है बिल्कुल ठीक है तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा दरिजा मेगस्तनीज और इसकी किताब आपको कई बार पूछी गई है दोस्तों ठीक है तो इसकी किताब याद रखिएगा जिसका नाम है दरिजा इंडिका तो इसके द्वारा जो फेवरेट बुक लिखी गई थी इंडिका आपने फाहन के बारे में पढ़ा होगा फाहयान आया था आपके चंद्रगुप्त द्वितीय में चंद्र गुप्ता याद रखेगा सेकंड के समय में ठीक है चंद्रगुप्ता सेकंड के समय में जिसको आप विक्रमादित्य भी बोलते हैं विक्रमा ठीक है इसको हम लोग क्या नाम देते हैं विक्रमादित्य और जो हेनत पीरियड में आया था अगर कोई बता सके तो इसका जो आगमन हुआ था वो किसके टाइम पीरियड में हुआ था हर्षवर्धन के टाइम पीरियड में ठीक है मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन क्वेश्चन पूछा गया है कि आर्टिकल 59 नाइन ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन डील्स विथ ठीक है तो अनुच्छेद जो 59 है ये निम्नलिखित में से किसके साथ डील करता है विच वन इज राइट अच्छा मेंस की डेट आ गई है तेईस दिन बाद है तो कोई बात नहीं करेंगे डॉट डेफिनेटली डोंट वरी अच्छे से करेंगे हम लोग हाँ बिल्कुल तो इसका जो राइट आंसर है दोस्तों और आपको मालूम है देखो दहेज में पाकिस्तान और अफगानिस्तान दिया था ये बिल्कुल बात सही है और दहेज की चीज़ों में हमेशा डिस्प्यूट ही रहता है इसलिए जो भी दहेज में मिला था सल्यूकस निकेटर ने दिया था देखो आज भी अस्थिरता चल रही है वहाँ पर है ना सो so, इसका जो करेक्ट आंसर देखिएगा सभी को मालूम है कि ये जितने भी चीजें रहती हैं सब प्रेसिडेंट से जुड़ी हुई हैं इलेक्शन ऑफ प्रेसिडेंट के जब आप पढ़ते हो, तो इलेक्शन ऑफ तो जो प्रेसिडेंट है दोस्तों ये परिभाषित किया गया है आर्टिकल फिफ्टी में इम्पीचमेंट की बात करोगे तो कितने में बोला गया दोस्तों दट इजा सिक्सटी में समझ में आ गया टर्म ऑफिस वगैरह की बात करोगे तो 55 और 56 के बारे में बात करने जाओगे तो ये जो है कंडीशन ऑफ द प्रेसिडेंट ऑफिस दैट इज डिफाइंड इन द आर्टिकल 59 ठीक है मूविंग टू नेक्स्ट क्वेश्चन क्वेश्चन में पूछा गया कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन ऑब्जेक्ट ऑरिएंटेड लैंग्वेज विच वन इज राइट वही पॉसिबल नहीं है ना वही पॉसिबल नहीं है मैं वही समझा कि अभी एकदम से सडलनी कैसे हो गया कि बिना रिजल्ट आए हुए मेंस की डेट आ जाती है बट क्या करें कभी कभी लोगों को संतुष्ट करने के लिए बोलना पड़ता है वरना वो बार बार कमेंट करने का प्रोसेस चलता रहता है इसका जो राइट आंसर है दैट इज ऑप्शन सेकंड इज राइट सी प्लस प्लस ठीक है मूविंग टू नेक्स्ट क्वेश्चन क्वेश्चन पूछा गया सोडियम क्लोराइड से अमोनियम क्लोराइड को अलग करने के लिए आप निम्नलिखित में से किस प्रक्रिया का प्रयोग करेंगे विच वन इज राइट सो विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोसीजर वुड यू यूज टू सेपरेट अमोनियम क्लोराइड एंड सोडियम क्लोराइड ठीक है पूछा गया है कि अमोनियम क्लोराइड से हाँ सोडियम क्लोराइड से अमोनियम क्लोराइड को अलग करने के लिए आप निम्नलिखित में से किस प्रक्रिया का प्रयोग करेंगे ठीक है और ये जो प्रक्रिया का करेंगे करेंगे दोस्तों ठीक है तो इस क्वेश्चन में जो करेक्ट आंसर है दोस्तों ठीक है दैट इज अप्शन सेकेंड इज द राइट आंसर ये कौन सा कहलाता है सब्लिमेशन कहलाता है दोस्तों इसको हम लोग क्या बोलते हैं ऊर्द पातन बोलते हैं ठीक है ऊर्द पातन ठीक है अगला सवाल है पूछा गया कि विच ऑफ द फॉलोइंग द्लानेट्स मे बी सुटेबल फॉर एग्जिस्टेंस ऑफ लाइफ तो निम्नलिखित में से कौन सा ग्रह जीवन के अस्तित्व के लिए उपयुक्त हो सकता है तो इस समय जो जीवन है वो कहाँ पे ढूंढा जा रहा है आपके मार्स में ढूंढा जा रहा है बुध में ढूंढा जा रहा है बुध में तो पॉसिबल नहीं है दोस्तों ठीक है क्योंकि बुद्ध की अगर हम लोग बात करने जाए तो इसमें अबसेंस ऑफ एटमोसफियर है एटमोस्फियर ही नहीं है तो फिर आप जीवन कैसे ढूंढेंगे वीनस नॉट पॉसिबल जुपिटर दैट इज नॉट पॉसिबल तो एक ही है आपका वो कौन सा मार्स ठीक है तो इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर है दैट इज ऑप्शन वन इज द राइट आंसर इंडिया ने भी लॉन्च किया था अपना एमओ एम मार्स ऑर्बिटर मिशन आपने पढ़ा होगा है ना और मंगलयान तो भारत के द्वारा भी अपना लॉन्च किया गया था मंगलयान चलिए अगला क्वेश्चन है नेक्स्ट क्वेश्चन क्वेश्चन पूछा गया है कि हाल ही में केंद्र सरकार ने निम्नलिखित में से किस भाषा को शास्त्रीय भाषा का दर्जा दिया है शास्त्रीय भाषा पूछी गई है दोस्तों विच वन इज राइट क्लासिकल लैंग्वेजेस तो इसमें से आप किस पे टिक करने जाएंगे वन होगा टू होगा थ्री होगा या फिर फोर विच वन इज राइट विच ऑफ द फॉलोइंग लैंग्वेज हैज बीन गिवन द स्टेटस ऑफ क्लासिकल लैंग्वेज बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट आपका प्लॉट मून पर है बहुत अच्छी बात है बिल्कुल बनाइएगा है ना जब बना लीजिएगा वहाँ पे तो एक बार वीडियो कॉलिंग कर दीजिएगा या फिर एक वीडियो रिकॉर्ड करके भेज दीजिएगा शॉर्ट्स का मैं फिर टेक्स्ट बुक पर अपलोड करवा दूंगा है ना डोंट वरी तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है कहीं भी बनाइए मंगल पे बनाइए सनी पे बनाइए बनाइएस पे बनाइए या किसी दूसरी हमारी जो पड़ोस की गैलेक्सी है एंड्रोमेडा एंड्रोमेडा में जाकर के बनाइए है ना चलिए तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन थ्री इज द राइट आंसर ठीक है चलिए अगला सवाल है नेक्स्ट क्वेश्चन क्वेश्चन में पूछा गया है कि नेम द लेयर इन वॉल ऑफ द स्टोमक दैट कंटेन्स नर्व्स एंड ब्लड वेसल ठीक है तो पूछा गया है कि आमासे की दीवार में उस परत का नाम बताइए जिसमें तंत्रिका और रक्त वाहिकाएं होती हैं रक्त वाहिकाएं होती हैं तो इसका जो राइट right आंसर है ठीक है इसका जो राइट आंसर है दैट इज अ ऑप्शन ठीक है दैट इज अ ऑप्शन फोर इज द राइट आंसर ठीक है दैट इज अस इसको हम लोग क्या बोलते हैं उपसेलेसमा बोलते हैं ठीक है ऑप्शन फोर इज राइट ठीक है चलिए अगला सवाल है नेक्स्ट क्वेश्चन क्वेश्चन में पूछा गया है कि द केमिकल कंपोजिशन ऑफ क्या पूछा गया है हाँ क्रोमेटिन तो क्रोमेटिन की रासायनिक संरचना कैसी होती है अब दोस्तों देखिए कार्टून्स को देख करके आप डिसाइड मत करिए कौन कहाँ जा सकता है ये बालवीर हुए शक्तिमान हुए आरमान हुए है ना जूनियर जी सकलाका बुम बुम ये जो करेक्टर है ये कहीं पर भी जा सकते हैं इनका कोई गारंटी नहीं है डीएनए हिस्टोन एंड नॉन हिस्टोन ओनली डीएनए हिस्टोन नॉन हिस्टोन एंड आर एन ए डीएनए एंड हिस्टोन्स ओनली या फिर डीएनए एंड आर एन एनली तो इस क्वेश्चन में जो राइट right आंसर है दैट इज ऑप्शन सेकेंड इज करेक्ट ठीक है डीएनए हिस्टोन्स एंड आर एन एज द राइट आंसर ठीक है मूविंग टू हेड इस सवाल का कोई मतलब नहीं बनता ठीक है क्योंकि काफी पुराना है अगला सवाल पूछा गया है कि द नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन इज एस्टैब्लिश इन द ईयर तो दोस्तों जो दस दिसंबर होता है ना 10th दिसंबर होता है इसको हम लोग किसके तौर पर ऑब्जर्व करते हैं नेशनल ह्यूमन राइट डे के तौर पर ऑब्जर्व करते हैं तो उन्नीस सौ नवासी है उन्नीस सौ तिरानवे है उन्नीस सौ अन्ठानबे है या फिर टू थाउजेंड है इसमें से आप किस ऑप्शन पर जाएंगे वन होगा टू होगा थ्री होगा या फिर फोर विच ऑप्शन इज द राइट आंसर ठीक है तो इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर है दैट इज ऑप्शन सेकंड इज राइट 1993 इज द राइट आंसर दोस्तों ठीक है 1993 और 10 दिसंबर को आप ह्यूमन राइट डे के तौर पर ऑब्जर्व करते हैं ये सभी को मालूम है ठीक है ह्यूमन राइट डे right के तौर तो पर ऑब्जर्व करते हैं ठीक है अगले सवाल में चलते हैं मिस्टर डोंग आ चुके हैं डोंग बोल रहे हैं कि सेशन को लाइक और शेयर जरूर कर दें और बाकी जितने भी कैंडिडेट है मैं उन सभी को बोलना चाहूंगा दोस्तों की इस समय चल रहा है आपका सेल और ये जो सेल है दोस्तों इसका नाम है याद रखिएगा ब्लॉक बस्टर सेल तो अभी भी अगर इस पर इनरोल नहीं किया है तो इनरोल कर सकते हैं इनरोल करना है बहुत ही आसान आयुब की सभी के स्क्रीन पर दिख रहा होगा सेशन गोइंग ऑन है तो सेशन को सबसे पहले तो दोस्तों इसको लाइक कर देना ठीक है सबसे पहले तो सेशन को एक बार फटाफट लाइक कर दीजिएगा और अभी भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा बालकेंट कर लीजिएगा सो दैट नोटिफिकेशन वगैरह आपको सब मिलने लगेगा दोस्तों है ना और जब आप यहाँ पे जाएंगे ना इस तरीके से तो आपको मिलेगा दोस्तों ये क्या आपको लिंक वगैरह सारी चीजें मिल जाएंगी तो ये सुपर कोचिंग में जाइएगा और जैसे ही आप सुपर कोचिंग पे क्लिक करेंगे ना तो यस तो आपको जितने भी हमारे कोर्सेज हैं डब्ल्यू आई ए टी सी के वो सारे कोर्सेज मिल जाएंगे और यहाँ पर फिजिक्स हुआ केमिस्ट्री हुआ फिजिक्स सॉरी मैथमेटिक्स टेक्निकल नॉन टेक्निकल सभी कोर्सेज अवेलेबल हैं साथ में आपकी डाउट सेशन रिविजन सेशन स्टडी सेशन आपकी एडिशनल क्लासेस रही है और पेमेंट करने के लिए ऑलरेडी मैंने आपको बताया है कि जो हाईएस्ट डिस्काउंट कूपन कोड है वो एक ही है और उस कूपन कोड का नाम है देर इज दस एस एच आई वी ठीक है सो इसको हटा देना है और इसकी जगह पर यूज करना है प्लस एच आई इसको अप्लाई करेंगे और जैसे अप्लाई करेंगे डिस्काउंट so और ये पड़ेगा आपको कितने का हाँ अलग अलग प्राइसेस हैं बारह महीने का अलग है छः महीने का अलग है और नौ महीने तीन महीने का अलग है दोस्तों ठीक है चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाइएगा दोस्तों और बताइएगा ज़रा कि अगले सवाल का संख्या होगा क्वेश्चन पूछा गया कि ब्रह्मोस के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है बेटा मैं बालवीर बालवीर नहीं देखता पता नहीं अब जो हुई है ना अच्छा है ब्रह्मोस है ठीक है ब्रह्मोस के कथन संदर्भ में आपको ये कथन दिए गए हैं पहले देख लीजिएगा ब्रह्मोस इज अ टू स्टेट स्टेज मिसाइल विथ सॉलिड प्रोपलेंट बूस्टर एज फर्स्ट स्टेज एंड लिक्विड रैमजेट एज द सेकेंड स्टेज दूसरा दिया गया था क्रूज मिसाइल लाइक प्रमोहस आर अ टाइप ऑफ सिस्टम नोन एज द स्टैंड ऑफ रेंज वेपन फिर दिया गया ब्रम्होस इज अ जॉइंट वेंचर बिटवीन द डीआरडीओ एंड द रसिया लास्ट दिया गया है आसनु इट कैन बी लॉन्च्ड फ्रॉम द सी ओनली दोस्तों ठीक है तो प्रमोहस को अगर हम लोग बात करने जाएं तो क्या इसको आप सी से लॉन्च कर सकते हैं दोस्तों ऐसा कोई भी फिक्स नहीं है और अभी आपको मालूम है फिलीपींस वगैरह ने भी इसको इसके साथ हमारा डील वगैरह किया हुआ है तो जो फोर्थ स्टेटमेंट है वो इसमें रॉन्ग है बाकी स्टेटमेंट जो है आपके वो सभी सही है ठीक है अगला सवाल है दोस्तों तो सरफेस टू एयर मिसाइल है आपकी ब्रह्मोस ठीक है नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन में पूछा गया है कि आ, लोकल्स इन द स्टेट सेलिब्रेटेड इन कटी बिहू फेस्टिवल इन विच स्टेट तो दोस्तों अगर आप ये ईयर भी भूल जाएँ तो किस राज्य के लोग कटी बिहू मनाते हैं दोस्तों देखिए राजस्थान में हम लोग बात करते हैं गनगौर फेस्टिवल की आसाम में आप बात करते हो बिहू की बिहू भी मनाया जाता है ठीक है केरल में हम लोग बात करते हैं ओणम की और किसकी बात करते हैं हम लोग विशु की ओणम हुआ और विशु हुआ और तेलंगाना में मनाया जाता है दोस्तों कौन सा बाथु कम्मा तो तेलंगाना की अगर हम लोग बात करने जाएँ तो तेलंगाना में मनाया जाता है बाथु कम्मा ठीक है ये क्लियर हो गया चलिए अगला सवाल है नेक्स्ट क्वेश्चन तो इसका जो राइट आंसर है देर इज ऑप्शन वन इज करेक्ट ठीक है अगला सवाल देखिए जरा पूछा गया है कि हु वन द टेन मीटर एयर पिस्टल इवेंट इन दिफ्थ एडिशन ऑफ द इंटरनेशनल ऑनलाइन शूटिंग चैंपियनशिप ठीक है इन अक्टूबर हाँ राजस्थान में गनगौर होता है ना बिल्कुल होता है राजस्थान में आपका फेस्टिवल गनगौर है आप डांस की बात करोगे तो घूमर मिलेगा और सतरिया वो मिलेगा सॉरी घूमर मिलेगा और कलबेलिया मिलेगा ठीक है तो इसमें से जो राइट आंसर है दैट इज ऑप्शन ठीक है सेकंड इज राइट ठीक है याद रखेगा हाँ यशस्वनी सिंह देशवाल अगला क्वेश्चन क्वेश्चन में पूछा गया कि विच ऑफ द फॉलोइंग करेक्टरिस्टिक्स ऑफ साउंड इज मेजर्ड इन हर्ट्स तो हर्ट्स में ध्वनि की निम्नलिखित विशेषताओं में से कौन सी मापी जाती है लाउडनेस ऑफ साउंड है इंटेंसिटी ऑफ द साउंड है वेबलेथ ऑफ द साउंड है या फ्रीक्वेंसी ऑफ द साउंड है और इसमें से जो करेक्ट आंसर है दैट इज ऑप्शन इज राइट ऑफ द साउंड इज द राइट आंसर ठीक है अगला सवाल देखिए क्या पूछा जा रहा है पूछा जा रहा है कि व्हाट इज द थीम ऑफ द सेंसस देंड ट्वेंटी द फॉलोइंग थीम्स ठीक है सो दोस्तों अभी आपको मालूम है कि जो लास्ट सेंसस हुआ था हमारा जनगणना अ इसकी अगर मैं बात करने जाऊँ दोस्तों तो ये हुआ था दो में और दो के आधार पर हमारे देश की जो जनसंख्या थी वो कितनी थी टोटल वन ट्वेंटी वन ठीक है करोड़ एक सौ इक्कीस करोड़ जनसंख्या थी uh, सबसे पहली बार अगर हम लोग देखने जाएं तो आपको मालूम है कि अठारह सौ बहत्तर में हुआ था लॉर्ड uh, मायो के समय में ठीक है लॉर्ड मायो जिसके समय में सबसे पहला सेंसस हुआ और रेगुलर बेसिस पर जो सेंसस होना शुरू हुआ रेगुलर बेसिस पर यह हुआ आपका अठारह में ठीक है तो इसमें से आप किस ऑप्शन पर जाएंगे वन होगा टू होगा थ्री होगा या फिर फोर और इस क्वेश्चन का जो राइट right आंसर है काफी सारे लोग ऑलरेडी लिख रहे हैं दोस्तों तो ये था दोस्तों जनगणना से जन कल्याण तो जनगणना से क्या होने वाला है जन कल्याण इस वजह से ये इसका थीम रखा गया है और भारत वैसे भी आपको मालूम है कुछ दिनों के बाद कुछ समय के बाद विश्व का मोस्ट पॉपुलर कंट्री बनने वाला है तो भारत जल्दी ही चाइना को पीछे छोड़ देगा और सबसे आगे होंगे हिंदुस्तानी ठीक है तो वर्ल्ड में सबसे आगे हो जाएगा इंडिया लेकिन इंडिया कुछ सालों के बाद पीछे हो जाएगा फिर से और चाइना फिर से आगे निकलेगा रिपोर्ट बताती है कि ये चूहे बिल्ली का खेल चलता रहेगा तो अभी आपका चाइना आगे चाइना के बाद जाएगा इंडिया ठीक है तो फिर कुछ दिनों में इंडिया आगे हो जाएगा और आपका चाइना फिर से पीछे हो जाएगा दोस्तों ठीक है ये इस तरीके से स्थिति आ जाएगी फिर यही चेंज होगा और एक और देश है जिसकी जनसंख्या बहुत स्पीड से बढ़ रही है नाइजीरिया तो एक समय माना जा रहा है कि दो के बाद या दो के बाद 2062 के बाद जिस स्पीड से नाइजीरिया की जनसंख्या बढ़ रही है नाइजीरिया इंडिया को भी पीछे छोड़ेगा और यह चाइना को भी पीछे छोड़ देगा तो ये नाइजीरिया और चाइना इन दोनों को पीछे छोड़ देगा ठीक है तो इस समय जो मोस्ट पॉपुलस कंट्री है वो चाइना है मोस्ट पॉपुलस आपका बोलोगे की कंटिनेंट है वो एशिया है वो कंटिनेंट जिसकी जनसंख्या बहुत स्पीड से बढ़ रही है वो है आपका साउथ अफ्रीका साउथ अफ्रीका की इस जनसंख्या बहुत स्पीड से बढ़ रही है दोस्तों ठीक है चलिए अगला सवाल देखेंगे आप लोग नेक्स्ट क्वेश्चन नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा जरा अगला सवाल दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है कि विच ऑफ द फॉलोइंग साइंटिफिक इंस्ट्रूमेंट इज यूज टू मेजर डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाई कार तो निम्नलिखित में से किस वैज्ञानिक उपकरण का उपयोग कार द्वारा तय की गई दूरी को मापने के लिए किया जाता है ऑडियोमीटर है ओडोमीटर है स्पीडोमीटर है या फिर बैरो है विच वन इज राइट तो इसमें से आप निम्नलिखित तो में से किसको टिक करने जाएंगे देखो दोस्तों इसका जो राइट आंसर है दैट इज ऑप्शन सेकंड इज राइट ऑडोमीटर याद रखिएगा इसका कैसा हो जाएगा करेक्ट हो जाएगा तो ये इसका सही आंसर है ठीक है अगला सवाल देख लीजिएगा दोस्तों पूछा गया है कि इन द कंटेक्स्ट ऑफ द इंडियन इकोनॉमी व्हाट आर द वेज मीन्स एंड एडवांस तो दोस्तों ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है और आप बोलेंगे कि ये एक ऐसी स्कीम है इट इज अ स्कीम बाय आरबीआई इस स्कीम को आरबीआई लेकर के आया था जिसके तहत आरबीआई सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट को शॉर्ट टर्म लोन प्रोवाइड करता है शॉर्ट शॉर्ट टर्म टर्म लोन प्रोवाइड करता है ठीक है तो जैसे आपने पढ़ा होगा ना मॉनेटरी पॉलिसी उसी तरीके से एक और पार्ट है आरबीआई का दट इज अ वेज एंड मीन्स एंड एडवांसेस ठीक है सो इसमें से जो राइट right आंसर है यहाँ पर आप जो करेक्ट आंसर टिक करने जाएंगे वो क्या हो जाएगा दैट इज दिन थ्री इज द राइट आंसर ठीक है चलिए अगला सवाल है क्वेश्चन में पूछा गया है कि यार डिस्प्लेड uh, इन द सेंट्रल पोर्शन ऑफ द टास्क बार ऑफ कंप्यूटर स्क्रीन तो कंप्यूटर स्क्रीन के टास्क बार के केंद्र भाग में प्रदर्शित होते हैं स्टार्ट डेट एंड टाइम डेस्कटॉप सेटिंग या फिर टास्क बटन तो इसमें से जो सही आंसर हो जाएगा ठीक है इसमें से जो हम लोग करेक्ट आंसर टिक करने जाएंगे दैट इज ऑप्शन फोर इज राइट दैट इज अ टास्क बटन इज द राइट आंसर ठीक है अगला सवाल है पूछा गया है कि व्हाट इज द बेसिस ऑन द विच पार्ट्स ऑफ द फॉलोअर्स आर फलर्स आर प्रेजेंट तो फूल के भाग जिस आधार पर उपस्थित होते हैं उसे क्या कहा जाता है आ, प्लाजेंटा बोलते हैं हम लोग है ना सीपल बोलते हैं फैलोपियन ट्यूब बोलते हैं या फिर थालमस बोलते हैं और इसका जो करेक्ट आंसर है दैट इज ऑप्शन सेकेंड इज राइट सीपल इसको हम लोग बोल देते हैं ठीक अगला सवाल है पूछा गया एविडेंस ऑफ डबल ब्यूरियल हैज बीन फाउंड फ्रॉम विच ऑफ द फॉलोइंग इंडस वैली साइट तो इसमें से जरा बताएगा आप किस पे जाएंगे कहां पर दोहरे दफन के प्रमाण मिलते हैं दोहरे दफन के प्रमाण आपको वहां पे मिलेंगे जहां पर आपको पोर्ट सिटी मिलेगा तो पोर्ट सिटी कौन सा है पोर्ट सिटी के अलावा जिसको हम लोग डॉकयार्ड बोलते हैं वहां पे ही ये मिलेगा दोस्तों इस तो डॉकयार्ड इसके अलावा साथ में क्या भी मिलते हैं हम फायर अल्टर तो आप देखेंगे कि आपको फायर अल्टर्स भी मिल जाएंगे ठीक है दोस्तों क्या भी मिलने वाले हैं फायर अल्टर्स भी मिलने वाले या फिर आप बोलेंगे तो आपको यहाँ पर वो भी मिल जाएगा भोगवा नदी के किनारे लोकेटेड दैट इज लोकेटेड ऑन द रिवर ऑफ भोगवा ऑन द बैंक ऑफ भोगवा लोकेटेड इन गुजरात अब इससे ज़्यादा देखो आपको क्या चाहिए दोस्तों तो गुजरात में स्थित है है ना भोगवा नदी के किनारे है अब इससे बड़ी हिंट क्या चाहिए तो आई होप कि आप सभी समझ चुके हैं कि इसका जो राइट आंसर है दैट इज़ अ लोथल तो लोथल को ही हम लोग पढ़ते हैं दैट इज लोकेटेड ऑन द बैंक ऑफ द भोगवा रिवर ठीक है सभी को मालूम है कालीबंगन जो है ये हमारा गुजरात में ना होकर के राजस्थान में पड़ता है तो कालीबंगन जो आपको पड़ेगा राजस्थान में ये पड़ेगा आपको गुजरात में है ना सुर पड़ जाएगा दोस्तों कहाँ पर है गुजरात में ये भी है और मोहन जोताड़ो यह पड़ जाएगा आपको पाकिस्तान में ठीक है ना मूविंग अ अगले सवाल देखिएगा क्वेश्चन पूछा गया है द ऑल इंडिया वोमेंस कॉन्फ्रेंस वॉज स्टार्टेड इन नाइनटीन ट्वेंटी सेवन विच वन इज राइट अभी बफरिंग नहीं है थोड़े समय के लिए बफरिंग हुई थी अपूर बट आई होप कि अभी क्लियर है ठीक है yes. सुचरा बताइएगा कि इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा विच वन इज राइट विच ऑप्शन इज करेक्ट अभी बफरिंग नहीं है आई होप की नाउ एवरी थिंग ओके तो इसमें से जो सही आंसर हो जाएगा ठीक है इसमें से जो हम लोग करेक्ट आंसर टिक करने जाएंगे दैट इज ऑप्शन वन इज राइट प्रोमोट वुमेन्स एजुकेशन ठीक है महिलाओं की शिक्षा को बढ़ावा देना द ऑल इंडिया वुमेन्स कॉन्फ्रेशन वॉज स्टार्टेड इन नाइनटीन ट्वेंटी सेवन ठीक है तो ये इसका राइट right आंसर है अगला क्वेश्चन देखेंगे क्वेश्चन में पूछा गया है वर्ल्ड वाइड फंड फॉर नेचर डब्ल्यू डब्ल्यू एफ द्वारा जारी की गई नई रिपोर्ट के अनुसार अगले कुछ दशकों में केंद्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर के कौन से शहर को पानी के जोखिम का सामना करना पड़ेगा तो इसमें से राइट आंसर क्या होगा वन इज करेक्ट श्रीनगर है जम्मू है अनंतनाग है डोडा है विच वन इज राइट और इसमें से जो सही आंसर है ठीक है इसमें से जो सही आंसर है वो कौन सा है श्रीनगर इज द राइट आंसर ठीक है श्रीनगर इज द राइट आंसर ठीक है मूविंग अड अगले क्वेश्चन में देखिएगा पूछा गया है कि विच वन अमंग द फॉलोइंग वॉज नॉट सांट फीचर्स ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट नाइनटीन निम्नलिखित में से कौन सी एक भारत सरकार अधिनियम 1935 की मुख्य विशेषता नहीं है देखिए आप सभी को मालूम है कि हमारे संविधान का जो मेजर सोर्स है दैट इज द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया 1935। लगभग कह सकते हैं कि हमारे संविधान के जो तीन आर्टिकल हैं, उसमें से 250 आर्टिकल आपके इसी से लिए गए यानी कि 70% परसेंट से ज्यादा जो हमारा सोर्स है वो आपका गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट कौन साइनटीन थर्टी फाइव है ठीक है तो पूछा गया है कि निम्नलिखित में से इसमें से क्या नहीं लिया गया तो आई होप कि सभी को मालूम है कि जो ये लास्ट वाला पार्ट है प्रोविंस ये सब्जेक्ट ठीक है तो आप सभी को मालूम है कि ये हम लोग बात करते हैं रेस्यूडरी की बात करते हैं पावर्स की बात करते हैं कनाडा वाला ठीक है तो ऑप्शन जो फोर है याद रखेगा इससे नहीं लिया गया है ठीक है अगला सवाल है पूछा गया है कि फ्लोरिडा में दो में जो मिस यूनिवर्स 2020 का इवेंट हुआ था यह खिताब किसके द्वारा जीता गया था ठीक है तो अभी तो नए अपडेट भी आ चुके हैं ठीक है थीके? ये तो पुराना बहुत अपडेट है जिसका कोई मतलब नहीं है इसका जो राइट आंसर था एक्चुअली एंड्रिया मेजा था ठीक है नेक्स्ट क्वेश्चन क्वेश्चन में पूछा गया है कि यूएन सेक्रेटरी जनरल एंटेनियो गुटर्स ऑनर्ड होम ड्यूरिंग द एनुअल मेमोरियल सर्विस इन मे टू तो पूछा गया संयुक्त राज्य महाराष्ट्र महासचिव एंटोनियो गुटेरस ने मई 2021 में वार्षिक स्मारक सेवा के दौरान किसे सम्मानित किया है इंद्रजीत रिखिये हैं, आर के मेहता हैं युवराज सिंह है या ओम प्रकाश है ठीक है इसका जो करेक्ट आंसर है दैट इज ऑप्शन सेकंड इज राइट ठीक है आर के मेहता इज द राइट आंसर ठीक है अगला सवाल अब दोस्तों यहाँ पर देखो बताया जा रहा है कि आप जुड़ सकते हैं टेक्स्ट बुक सुपर कोचिंग कोर्सेज के साथ और इनरोल कर सकते हैं कोर्सेज के लिए और यहाँ पर आपको ऑल इंडिया के सबसे बेस्ट फैकल्टी बेस्ट मॉक टेस्ट ठीक है साथ में एक्स्ट्रा गाइडेंस और आपको मिल जाते हैं प्रैक्टिस सेशन प्रॉपर तरीके से वन टू वन इंटरेक्टिव सेशन और अभी चल रहा है आपका इस समय ब्लॉक सेल छह से लेकर के सात फरवरी तक तो आज आखिरी दिन है सेल का आज ही आप इनरोल कर सकते हैं इसके लिए और यूज कर सकते हैं कूपन कोड दैट इज एच आई वी याद रखिएगा के टी टू गेट द मैक्सिमम डिस्काउंट दोस्तों ठीक है अगले सवाल पे चलते हम लोग क्वेश्चन में पूछा गया है कि विच ऑफ द फॉलोइंग रिवर्स इज नोन एज द दक्षिण गंगा तो दोस्तों आप इसको दक्षिण गंगा भी बोल सकते हो और चाहो तो आप इसको ओल्ड गंगा भी बोल सकते हो ठीक है तो इसको बूढ़ी गंगा भी बोलना है और इसको क्या भी बोलना है दक्षिण गंगा भी बोलना है ठीक है तो इनमें से आप किस पे जाएंगे दक्षिण गंगा है बूढ़ी गंगा है

ओल्ड गंगा या बूढ़ी गंगा ठीक है अगला सवाल नेक्स्ट क्वेश्चन क्वेश्चन में पूछा गया है कि व्हाट इज द सेकंड मोस्ट अबंडेंट एलिमेंट ऑन द क्रस्ट तो पृथ्वी की ऊपरी परत पर दूसरा सबसे प्रचुर मात्रा में पाया जाने वाला तत्व तो कौन सा है क्रस्ट में क्या पूछा गया है सेकंड सेकंड पूछा गया दोस्तों फर्स्ट कौन सा होगा ऑक्सीजन अगर आप फर्स्ट की बात करोगे तो फर्स्ट क्या पाया जाएगा ऑक्सीजन देखिए कई अलग अलग आपको पूछे जाते हैं कि पृथ्वी की सतह पर या फिर पूछा जाएगा आपको स्पेस में या एटमोस्फियर में नहीं रोहित मैंने कोई भी शो नहीं देखा पूरा दिन इसी में चला जाता है आपके लिए कंटेंट तैयार करने में और आपको लेक्चर्स लेने में तो यही मेरे लिए जीवन का सबसे बड़ा शो है है ना और अगर आप लोग सिलेक्ट हो जाते हैं नौकरियों में तो वो मानता हूँ मैं कि ये मेरा सो सफल हो गया तो फिलहाल मेरा अपना सो ही मैं देखता हूँ इसका जो राइट आंसर है दैट इज़ अ सिलिकन तो फर्स्ट पोजीशन में क्या पाया जाता है दोस्तों याद रखिएगा आपका ऑक्सीजन और सेकंड में क्या पाया जाता है सिलिकॉन ठीक है हाइड्रोजन की जब बात करते हैं तो ये सबसे ज़्यादा पाया जाता है कहाँ पर स्पेस में स्पेस में सबसे ज़्यादा पाया जाता है दोस्तों ठीक है समझ में आ गया दोस्तों ठीक है हाँ बिल्कुल नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए पूछा गया है कि समय निकालता हूँ सुबह है पांच से लेकर के दस बजे तक समय निकालता हूँ स्टडी का हाउ मेनी फंडामेंटल राइट्स वर राइट बाई द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन तो भारतीय संविधान द्वारा मूल मूल रूप रूप से से कितने मौलिक मौलिक अधिकारों को मान्यता मिली है अधिकार हम लोग देख रहे हैं फंडामेंटल राइट ऑरिजिनली पूछे गए हैं मूल रूप से कि ओरिजिनली कितने थे इसमें से एक आर्टिकल आपको याद रखना है एक आर्टिकल कौन सा है थर्टी वन जो राइट टू प्रॉपर्टी की बात करता है राइट टू प्रॉपर्टी तो आपको मालूम है कि ये रिमूव हो चुका है तो आपको फोर्टी फोर्थ अमेंडमेंट पढ़ना पड़ेगा जो चौवालिसवं संशोधन था उन्नीस का उसके तहत इसको क्या कर दिया गया रिमूव कर दिया गया तो इस क्वेश्चन का जो राइट right आंसर है दैट इज अ ऑप्शन ठीक है ऑप्शन थर्ड इज राइट समझ में आ गया ऑप्शन थर्ड इज राइट दोस्तों ठीक है तो शुरुआत में आपके पास कितने थे सेवन अब एक हटा दिया गया है बचा अब आपके पास कितने हैं सिक्स ठीक है तो ये इसका करेक्ट है ठीक है अगला सवाल देखिएगा जरा क्वेश्चन पूछा गया है कि इकोनॉमिक प्लानिंग इन इंडिया इज इन तो भारत में आर्थिक नियोजन है संघ सूची राज्य सूची कौन करेंट दोस्तों यूनियन लिस्ट की अगर हम लोग बात करने जाएं तो यूनियन लिस्ट में आपके सौ सब्जेक्ट हैं और स्टेट लिस्ट की बात की जाए तो आपके पास टोटल विषयों की संख्या सिक्सटी वन है और आपके पास कॉन की बात की जाए तो टोटल विषयों की संख्या कितनी है फिफ्टी टू है तो हम लोग किसकी बात कर रहे हैं सातवें शेड्यूल की लेकिन इसको पूछा गया इकोनॉमिक प्लानिंग तो इकोनॉमिक प्लानिंग दोस्तों इसमें आपके दोनों हिस्सा ले सकते हैं राज्य भी और केंद्र भी तो इकोनॉमिक प्लानिंग राज्य भी कर सकता है और केंद्र भी कर सकता है और आपको मालूम है कि राज्य में आपके पास नीति आयोग है और केंद्र में आपका स्टेट प्लानिंग कमीशन होता है ठीक है तो अगला सवाल है केंद्र में जो है उसका मुखिया पीएम होगा राज्य में जो मुखिया होगा उसका राज्य में जो होगा बोर्ड उसका मुखिया सीएम होगा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि द बुक फ्रीडम मिड नाइट वॉज रिटन बाई ये किताब में से किसके द्वारा लिखी गई विच वन इज राइट फ्रीडम मिड नाइट ब्रोकन विंग्स अनहैप्पी इंडिया ये जितने भी किताबें लिखी गई एंशियंट इंडियन हिस्ट्री के समय में वो अगर आप एक दो बार पढ़ेंगे तो डेफिनेटली आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा इस क्वेश्चन का जो राइट right आंसर है दैट इज ऑप्शन थ्री इज राइट दैट इज आंसर है ऑप्शन right. अगला है हाइएस्ट पर कैपिटा इनकम तो निम्नलिखित में से किस राज्य की प्रति व्यक्ति आय वर्तमान में सबसे अधिक है गोवा है सो so दोस्तों ये हम लोग बात कर रहे हैं पर कैपिटा इनकम की वर्ल्ड में आप देखोगे तो वर्ल्ड में सबसे टॉप पर जो है वो है आपका यूएसए यूएसए में प्रति व्यक्ति आय सबसे ज्यादा है ठीक है और उस प्रति व्यक्ति आय में याद रखिएगा सबसे ज्यादा जो अर्निंग कम्युनिटी है वो है इंडियन कम्युनिटी इंडियन अमेरिकन कम्युनिटी और इंडियन अमेरिकन कम्युनिटी अमेरिका में सबसे ज्यादा टैक्सेशन में मदद करती है है ना जो अभी हाल ही में रिसेंट रिपोर्ट बताती है का अमेरिका में जो इंडियन अमेरिकन कम्युनिटी है भारतीय मूल के नागरिक हैं वो सबसे ज़्यादा अर्न करते हैं और वो सबसे ज़्यादा टैक्सेशन कंट्रीब्यूट करते हैं अमेरिका में और अगर हम लोग इंडिया की बात करने जाएं कि इंडिया में स्थिति किस प्रकार से है तो इंडिया में जो दोस्तों टॉप पर है वो है आपका गोवा टूरिज्म की वजह से और सबसे लीस्ट जो है पर कैपिटा इनकम है वो है आपके किसका बिहार का सो बिहार बहुत सारी चीज़ें में डाउन है चाहे सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल हो चाहे पर कैपिटा इनकम हो चाहे आपका उसकी भी बात हम लोग करने जाएं पावर्टी में भी बात करने जाएं चाहे हेल्थ में बात करने जाएं चाहे क्वालिटी एजुकेशन में बात करने जाएं दोस्तों ठीक है तो ये कई बार पूछा जाता है कि बिहार के किन किन चीजों में बॉटम में है क्वालिटी एजुकेशन हेल्थ पावर्टी पर कैपिटा इनकम सस्टेनेबल डेवलपमेंट ग्रोथ ठीक है इन सब में इस समय डाउन पे है ठीक है सो इसका जो राइट आंसर है दोस्तों आप इसमें टिक करने जाएंगे दैट इज ऑप्शन राइट आंसर ठीक है ये महाराष्ट्र याद रखिएगा टॉप इन टूरिज्म तो इस बार जो महाराष्ट्र है ये टूरिज्म में टॉप पर आया है ठीक है याद रखिएगा टॉप इन टूरिज्म तो इस बार जो है केरल पीछे रह गया है और ये आगे था ठीक है अगला सवाल पूछा गया कि इंडिया वॉज पार्ट ऑफ एन एंसियन सुपर कंटिनेंट कॉल्ड गोंडवाना इट इंक्लूडेड प्रेजेंट डे विच वन इज राइट देखो ये इतिहास है कभी ना कभी दोहराता है बिहार कभी एक ऐसे समय पे था जब मगध साम्राज्य नाम था बिहार का तो बिहार ने जितने 16 महाजनपद थे उन सभी पर शासन किया बिहार एक समय एजुकेशन का मेन सेंटर था लर्निंग सेंटर का कह सकते हैं कि एक मुख्य केंद्र बिंदु था जैसे नालंदा विक्रमशिला ओदंतपुरी जैसे बड़े-बड़े विद्यालय थे जहां पर विश्व के बच्चे आते थे तो देखो ना ये टाइम की टाइम की बात होती है टाइम टाइम की बात होती है दोस्तों है ना तो इसका जो राइट आंसर है दैट इज ऑप्शन फोर इज द राइट आंसर दोस्तों ठीक है आपने पढ़ा होगा कि सबसे पहले था एक पेंजिया और पेंजिया ये जो था ये फिर भाग में दो भाग में ब्रेकआउट हो जाता है तो एक बन जाता है गोंडवाना और दूसरा आपने पढ़ा होगा दोस्तों की एक बन जाता है जिसका नाम क्या था लोरेशिया एक बन गया गोंडवाना और दूसरा बन गया लॉरेशिया लॉरेशिया की अगर आप बात करोगे तो इसमें नॉर्थ अमेरिका इंक्लूडेड है और साथ में आपका यूरेशिया इंक्लूडेड यूरेशिया बोले तो इसमें आपके यूरोप इंक्लूडेड है और साथ में आपका एशिया इंक्लूडेड है अब गोंडवाना की बात करोगे तो इसमें साउथ अमेरिका आ जाएगा अफ्रीका आ जाएगा है ना ऑस्ट्रेलिया आ जाएगा दोस्तों इंडिया आ जाएगा और साथ में याद रखिएगा जो कौन, कौन सा है अंटार्क्टिका है अंटार्कटिका भी याद रखेगा वो इसी का ही हिस्सा है ठीक है अगला सवाल देखिएगा जरा नेक्स्ट क्वेश्चन क्वेश्चन पूछा गया है कि पीरियड स्पैनिंग बिटवीन द द हाउस एंड इट्स रेसेंबली इन न्यू सेशन इज कॉल्ड तो एक नए में, एक सत्र में एक सदन के स्थगितकरण और इसके पुनर्मूल्यन के बीच फैली अवधि को क्या कहा जाता है ठीक है सो इस क्वेश्चन का जो राइट right आंसर है दैट इज ऑप्शन थ्री इज द राइट आंसर ठीक है थ्री इज द राइट आंसर ठीक है चलिए अगला सवाल है नेक्स्ट क्वेश्चन क्वेश्चन में पूछा गया है कि ऑफ द फॉलोइंग एपिक्स वर नॉट रिटन सो दोस्तों जिनको आप बोलते हो शेक्सपियर ऑफ इंडिया जो कि आपके गुप्ता डायनेस्टी में चंद्रगुप्त द्वितीय विक्रमादित्य के समय पर रहे हैं दोस्तों है ना और uh, इनके द्वारा महान रचनाएं लिखी गई संस्कृत के महान कवि जिसमें आपकी अभिज्ञान शकुंतलम भी इंक्लूडेड है कुमार संभव भी इंक्लूडेड है मेघ दूत भी इंक्लूडेड है दोस्तों इसमें विक्रमो वशीम भी इंक्लूडेड है मालविकाग्नि मित्र भी इंक्लूडेड है लेकिन ये जो रामचरित मानस है जिस पर अभी हाल ही में विवाद चल रहा है और ये लिखा है बाबा गोस्वामी तुलसीदास के द्वारा तो आप सभी को मालूम है दोस्तों कि ये जो लिखा गया है ये गोस्वामी तुलसीदास जी के द्वारा लिखा गया ठीक है गोस्वामी तुलसीदास जी के द्वारा ठीक है सो इसका जो राइट आंसर ऑप्शन वन इज राइट अगला सवाल देख लीजिएगा जरा नेक्स्ट क्वेश्चन क्वेश्चन में पूछा गया है कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग इकोसिस्टम हैज मैक्सिमम प्लांट इन बायोमास तो निम्नलिखित में से किस पारिस्थितिक तंत्र में अधिकतम संयंत्र जैव द्रव्यमान है ट्रॉपिकल डेसिड्यूस फॉरेस्ट है ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट है टम्पीरेट डेसीडुअस फॉरेस्ट है या फिर डिजर्ट स्रब्स है ठीक है सो इसमें से आप किस ऑप्शन पे जाएंगे वन होगा टू होगा थ्री होगा या फिर फोर विच वन इज राइट ठीक है ये आपको बताना है कि इसमें से करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों So, इसमें से जो राइट आंसर है ठीक right, right, right right है, है। है सवाल पूछा जा रहा है कि फॉलोइंगजेज रेनफॉल ड्यूरिंग विंटर इन द नॉर्थ वेस्टर्न पार्ट ऑफ इंडिया तो निम्नलिखित में से कौन भारत के उत्तर पश्चिम भाग में सर्दियों के दौरान वर्षा का कारण बनता है देख लीजिएगा बहुत अच्छे से फॉलोइ रेनफॉल ड्यूरिंग द विंटर इन द नॉर्थ वेस्टर्न पार्ट ऑफ इंडिया और इसमें से अगर हम लोग सही आंसर टिक करने जाएंगे दोस्तों तो राइट आंसर क्या होने वाला है ऑप्शन थ्री इज राइट दैट इज अ वेस्टर्न साइक्लोनिक डिस्टर्बेंस इज द राइट आंसर ठीक है वेस्टर्न साइक्लोनिक डिस्टर्बेंस इज द राइट आंसर ठीक है अगला सवाल है पूछा गया है कि हु वॉज द प्रेसिडेंट ऑफ द कांग्रेस इन नाइनटीन थर्टी फोर बॉम्बे सेशन अब देखो दोस्तों जवाहरलाल नेहरू कई बार बनाए गए हैं जवाहरलाल नेहरू ऑलरेडी 1929 में रह चुके हैं राजेंद्र प्रसाद साहब भी कई बार बनाए जा चुके हैं ऑलरेडी राजेंद्र प्रसाद साहब की बात की जाए तो नाइन में भी रह चुके हैं 1939 में भी ठीक है जब वो हरिपुरा और त्रिपुरी तर, अधिवेशन हुआ था दोस्तों ठीक है तो इस क्वेश्चन का जो राइट right आंसर है दैट इज अप्शन ठीक है फोर इज द राइट आंसर राजेंद्र प्रसाद साहब दोस्तों तो राजेंद्र प्रसाद जो साहब थे ये आपके आईएनसी के कई बार अध्यक्ष बनाए जा चुके हैं ऑलरेडी और 1934 में भी ये बनाए गए थे ठीक है राजेंद्र प्रसाद भारत के पहले प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया लॉन्गेस्ट सर्विंग प्रेसिडेंट या फिर आप कह सकते हैं कि जो संविधान सभा बनाई गई थी उस संविधान सभा के परमानेंट और स्थायी प्रेसिडेंट दैट वाज द राजेंद्र प्रसाद ठीक है अगला सवाल है पूछा गया दीपिका कुमारी ने किस वर्ष में कॉमनवेल्थ गेम्स में तीरंदाजी में स्वर्ण पदक जीता था तो कॉमनवेल्थ गेम्स दोस्तों अभी हाल ही में हुए थे दो में आपके लंडन यूके में 2026 में जो होने वाले हैं आपके वो होने वाले हैं कहां पर ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड में और ऑस्ट्रेलिया ने आप सभी को पढ़ा होगा कि ऑस्ट्रेलिया भी अब अपनी करेंसी पर जो ब्रिटेन के राजा रानी के फोटो हैं इमेजेस हैं उनको हटा रही है ठीक है तो वो भी धीरे धीरे रिपब्लिक ऑफ ऑस्ट्रेलिया की ओर जा रहे हैं ठीक है थीके? तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है दैट इज ऑप्शन सेकंड इज द राइट आंसर ठीक है अगला सवाल पूछा जा रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ टाइप ऑफ स्टोरेज डिवाइस तो निम्नलिखित में से क्या भंडारण युक्ति का एक प्रकार है इसका सही आंसर क्या होगा वन इज राइट ठीक है यस आई बाबा काफी आता है वो सवाल इसलिए बार बार एड किया गया तो दोस्तों इस क्वेश्चन का जो राइट right आंसर हो जाएगा ठीक है इसमें हम लोग जो करेक्ट आंसर टिक करने जाएंगे दैट इज ऑप्शन थ्री इज करेक्ट दैट इज अ ब्लू रेड डिस्क इज करेक्ट ठीक है तो ये इसका सही आंसर होने वाला ठीक है ये इसका सही आंसर होने वाला ठीक है अगला सवाल पूछा गया कि हु इज द एक्स स्पीकर ऑफ लोकसभा दोस्तों देखिए आपने सुना होगा एक्स ऑफिशो स्पीकर ये होता है एक्स ऑफिश याद रखिएगा चेयरमैन इन राज्यसभा एक्स ऑफिशो चेयरमैन होता है इन राज्यसभा तो इसको हम लोग राज्यसभा का एक्स ऑफिशो चेयरमैन मानते हैं जो वाइस प्रेसिडेंट होता है वो होता है आपका राज्यसभा का ठीक है इसका जो करेक्ट आंसर है इसमें से जो सही आंसर हम लोग टिक करने जाएंगे ऑप्शन करेक्ट यानी कि ऑफ द तो इसमें से कोई भी ऑप्शन नहीं है क्योंकि इस तरह का कोई भी पद ही नहीं है नो पोस्ट सच काइंड ठीक है देर इज नो पोस्ट तो इस तरह का कोई पद है ही नहीं आप ये कह सकते हैं दोस्तों कि जो प्रधानमंत्री होता है वो एक्स ऑफिस होता है किसमें <coughs> हेड होता है नीति आयोग का एक्स हेड होता है एनडीसी का इंटर स्टेट काउंसिल का हो जाएगा लेकिन इस तरह का एक्स स्पीकर लोकसभा का होगा ऐसा कोई पद ही नहीं है अगर पद ही नहीं है तो फिर कोई डिस्कस करने वाली इसमें बात नहीं है दोस्तों ठीक है अगला सवाल क्वेश्चन में पूछा गया है विच ऑफ द फॉलोइंग कमेटी वॉज फॉर्म्ड टू एक्सेस द कंडीशन ऑफ मुस्लिम तो निम्नलिखित में से मुसलमानों की स्थिति का आकलन करने के लिए किसे गठित किया गया था सच्चर कमेटी आ, राजन समिति शर्मा कमेटी या वर्मा समिति फिर से देख लीजिएगा विच ऑफ द फॉलोइंग कमेटी वॉज फॉर्म टू एक्सेस द कंडीशन ऑफ मुस्लिम निम्नलिखित समितियों में से मुसलमानों की स्थिति का आकलन करने के लिए किसे गठित किया गया था और इसमें से जो राइट आंसर है वो है आपका ऑप्शन वन इज राइट सच्चर कमेटी ठीक है अगला सवाल है पूछा जा रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग विच ऑफ द फॉलोइंग नोवल हैज नॉट बीन रिटन बाय सलमान रुजदी तो निम्नलिखित उपन्यास में से एक से सलमान रुजदी ने नहीं लिखा है अ असुटेबल बॉय है ठीक है अ फ्यूरी है द सेटेनिक वर्सेस है और मिड नाइट चिल्ड्रेन है सलमान रुजदी बहुत प्रसिद्ध लेखक अभी हाल ही में फिर से चर्चाओं में आए थे अगर आपने सुना हो तो इन पर कुछ एक हमला हो गया था और विदेश के विश्व के जो भी बड़े बड़े लीडर्स थे उन्होंने इसकी बुराई की थी इसमें से जो राइट आंसर है ऑप्शन वन इज राइट ठीक है ऑप्शन वन इज राइट ठीक है चलिए अगला सवाल है पूछा जा रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ टाइप ऑफ डिसीज तो निम्नलिखित में से कौन सा एक टाइप ऑफ डिसीज है इसमें से हम लोग किस ऑप्शन पर जाएंगे तो दोस्तों जो टाइप ऑफ डिसीज है वो कौन सा है दैट इज ऑप्शन थ्री इज राइट ठीक है ऑप्शन थ्री इज करेक्ट ठीक अगला सवाल पूछा गया है कि हु अमंग द फॉलोइंग इज कंसिडर टू बी द फादर ऑफ द एटम बम एटम बम के ये सवाल कई बार आया है बहुत इंपॉर्टेंट है ठीक है एस एस सी हुआ रेलवे हुआ ठीक है जितने भी आपके वेरियस एग्जाम्स हैं सभी एग्जाम्स में आपको ये सवाल देखने को मिलेगा किन्हें परमाणु बम का पिता माना जाता है अल्फ्रेड नोबल है जे रॉबर्ट ओपन है एनरिको फर्मी है या निम्नलिखित में से कोई भी नहीं इस क्वेश्चन का जो राइट right आंसर है दैट इज ऑप्शन सेकंड इज करेक्ट ठीक है जे रॉबर्ट ओपन हेमर इज द राइट आंसर ठीक है अगला सवाल देखिएगा दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया है कि इन विच अमंगस वॉज द राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस एल्ड तो निम्नलिखित में से किस वर्ष में राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस आयोजन किया गया था अब देखो दोस्तों राउंड टेबल कैसा था आपका जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट आया ये आया 1919 में है ना ये डायचरी लॉ था आप सभी जानते हैं कि इसको हम लोग डायचरी लॉ लो के तौर पर जानते हैं इसको रिव्यू की जाने की बात की गई कि, कि को हम लोग हर दस साल में रिव्यू करेंगे एवरी ट्वेंटर्स में और टेन ईयर्स में रिव्यू करने की बात आई तो साइमन कमीशन आ गया साइमन कमीशन के जो भी रिपोर्ट आई उससे राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस शुरू हो गई और यहाँ से जो भी आउटकम निकल करके आया तो उससे आपका गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट नाइनटीन बन गया ठीक है इस तरीके से चीजें आपकी प्रस्तावित थी ठीक है तो इसमें से जो राइट right आंसर है uh, right साउद रोटेशन है प्रेशर है मैग्नेटिक uh, फील्ड है, है या निम्नलिखित में से कोई भी नहीं और इस क्वेश्चन का जो राइट right आंसर हो जाएगा ठीक है इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा दैट इज ऑप्शन वन इज राइट रोटेशन इज द करेक्ट ऑप्शन ठीक है अगला सवाल देखिएगा दोस्तों पूछा गया है कि इन विच ऑफ द फॉलोइंग एनिमल हूफ्स आर नॉट फाउंड तो निम्नलिखित में से किस जानवर में खुर नहीं पाए जाते दोस्तों किस में खुर नहीं मिलेंगे आपको पंजे मिलेंगे पंजे तो किसके पंजे ज्यादा खतरनाक होते हैं घोड़े के जबरा के सियार के या हिरन के क्या बात है हिरण में खुर। पंजे पाए जाते हैं खुर नहीं पाए जाते कितना कठिन सवाल नहीं है कौन व्यक्ति है जो भाई साहब हिरण के बोल रहा है कि खुर पाए जाते हैं ए, खुर नहीं पाए जाते हिरण के भी खुर होते हैं जबरा के भी होते हैं घोड़े के भी होते हैं इनके तो नाल लगी होती है बाकायदा तो दोस्तों जो पंजे होते हैं वो सियार के ही तो होते हैं ना ठीक है अगला सवाल है पूछा जा रहा है कि हु इन्वेंटेड द वर्ल्ड फर्स्ट एटोमिक बॉम्ब फॉर यूएसए तो यूएसए के लिए सबसे सबसे पहले किसने ये निर्माण किया था और उसी के बाद यूएसए ने एक बम ड्रॉप आप किए आपको मालूम है हिरोशिमा और हम लोग पढ़ते हैं नागासाकी छह अगस्त 1945 और 9 अगस्त 1945 लिटिल बॉय और मैन लिटिल बॉय और फैट मैन तो इसमें से जो करेक्ट आंसर होगा राइट right आंसर हो जाएगा दैट इज़ ऑप्शन वन इज राइट जे ओपन हीमर इज द करेक्ट ऑप्शन ठीक है मूविंग टू अहेड अगले सवाल की ओर चलते हैं पूछा जा रहा है कि इज द फर्स्ट स्टेट इन इंडिया टू सेट अप एन इंस्टीट्यूशन ऑफ पंचायती राज तो पंचायती राज की स्थापना सबसे पहले कब हुई थी सबसे पहले हुई थी दोस्तों सेकेंड अक्टूबर नाइनटीन में और ये हुई थी आपकी कहाँ पर नागौर में नागौर पढ़ता है कहाँ पर राजस्थान में तो आप आर्टिकल फोर्टी भी पढ़ते हो कई बार पार्ट नाइन भी पढ़ते हो तेहत्तरवा संशोधन भी पढ़ते हो उन्नीस और इसमें हम लोग ट्वेंटी नाइन विषय भी पढ़ते हैं ठीक है ट्वेंटी नाइन विषयों की संख्या है तो इस क्वेश्चन का जो राइट right आंसर है ठीक है दैट इज़ अ ऑप्शन सेकंड इज़ राइट राजस्थान इज करेक्ट ठीक है अगला सवाल है पूछा गया कि विच ऑफ द फॉलोइंग कंडीशन इज सुटेबल फॉर इंक्रीजिंग द कल्टिवेशन ऑफ कॉफी निम्नलिखित में से कौन सी स्थिति कॉफी की खेती को बढ़ाने के लिए उपयुक्त है इसका सही आंसर आपको बताना है ठीक है तो इस क्वेश्चन का देखो जो सही आंसर है वो है ऑप्शन वन गर्म गीली जलवायु और अच्छी तरह से सूखी दोमट मिट्टी तो इसमें से जो सही आंसर है ठीक है दैट इज आ ऑप्शन हाँ ये तो ऑप्शन वन इज राइट ठीक है अगला सवाल था द ओशियंस कवर हाउ मच परसेंटेज ऑफ द अर्थ सरफेस तो दोस्तों पृथ्वी का जो भी सरफेस होगा वो सौ परसेंट होगा उसमें से ट्वेंटी नाइन परसेंट में लैंड है और सेवेंटी वन परसेंट में आपका वाटर है उस और इस वाटर में लगभग 28 से लेकर के उनतीस परसेंट तक पैसिफिक ओशियन कवर करता है चलिए अगला सवाल देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन क्वेश्चन में अयुब की क्लियर है अगला सवाल देखिएगा क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि विच फ्रीडम फाइटर फ्राम बेंगॉल डाइड एट द एज ऑफ एट्टीन तो बंगाल के कौन से स्वतंत्रता सेनानी अठारह साल की उम्र में शहीद हुए थे दोस्तों तो इनकी उम्र थी अट्ठारह साल ग्यारह महीने अठारह दिन एट्टीन ईयर्स एलेवन मंथस और एट्टीन डेज और ये आपने कब पढ़ा होगा जब आपने पढ़ा होगा हरिपुरा बॉम्ब कॉन्सप्रेशी के बारे में तो हरिपुरा जो बम्ब कौंसप्रेशी थी ये हुई थी उन्नीस में इसमें देखो कौन कौन इंक्लूड थे आ, खुदी राम बोस थे प्रफुल्ल चाकी जिन्होंने आत्महत्या कर ली थी खुदीराम बोस इन लोगों ने मिलकर के किंग्स फोर्ड नामक जस्थ था उसकी बग्घी के अंदर बम फेंक दिया उसमें दो तो महिलाएं बैठी थी उनकी मौत हो गई इसमें माना जाता है कि आपके अरविंदो घोष भी इंक्लूड थे लेकिन अरविंदो घोष के जो 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 थे उनको चितरंजन दास जो थे सी दास साहब वो बचा ले जाते हैं ठीक है सचिन सन्याल रास बिहारी बोस वो भी सभी इंक्लूड थे इसमें तो इस क्वेश्चन का जो राइट right आंसर है दैट इज ऑप्शन वन इज द राइट आंसर खुद ही राम बोस दोस्तों है ना हाँ ठीक है सो तो इसका जो राइट आंसर ऑप्शन ऑप्शन वन वन इज करेक्ट ठीक है अगला सवाल है काना नेशनल पार्क काना नेशनल पार्क सभी को मालूम होगा कहाँ पर लोकेटेड है मध्य प्रदेश में दैट इज लोकेटेड इन एम पी में लोकेटेड है तो कान्हा राष्ट्रीय उद्यान दलदली हिरण की दुर्लभ और लगभग विलुप्त प्रजाति को बचाए रखा है इसे और किस नाम से जाना जाता है दोस्तों ठीक है सो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा दर इज ऑप्शन वन इज राइट बारह सिंगा इज द करेक्ट ऑप्शन ठीक है अगला सवाल है नेक्स्ट क्वेश्चन क्वेश्चन पूछा गया है कि जो साइक्लोन है हिट विशाखापत्नम रिसेंटली तो इसमें से किस ऑप्शन पर आप जाएं वन होगा टू होगा थ्री होगा या फिर फोर विच वन इज राइट और इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर होने वाला है ऑप्शन वन इज करेक्ट ठीक है राइट आंसर ठीक है अगला सवाल है नेक्स्ट क्वेश्चन क्वेश्चन में पूछा जा रहा है कि सुल्तानपुर बर्ड सेंचुरी इज लोकेटेड हुई है तो हम लोग दोस्तों एक पढ़ते हैं सुल्तानपुर और एक पढ़ते हैं कालेश्वर और ये काफी प्रसिद्ध है लेकिन सुल्तानपुर नेशनल पार्क है और एक है कालेश्वर नेशनल पार्क तो चंडीगढ़ होगा भरतपुर होगा गुड़गांव होगा या फिर गांधीनगर होगा और इनमें से हम लोग किस ऑप्शन पे जाएंगे तो इसमें से जो आप राइट आंसर टिक करेंगे दैट इज ऑप्शन यस थ्री इज द करेक्ट आंसर गुड़गांव इज द राइट ठीक है मूविंग अहेड अगले सवाल की ओर चलते हैं क्वेश्चन में पूछा गया है निम्नलिखित में से कौन सा भारत में लोकायुक्त की संस्था इस्था स्थापित करने वाला पहला राजा था ठीक है विच ऑफ द फॉलोइंग इज द फर्स्ट स्टेट राज्य था पूछा गया है स्टेबलिश द इंस्टीट्यूशन ऑफ लोकायुक्त लोकायुक्त इन इंडिया देखिए दोस्तों एक होता है लोकपाल और आपको मालूम है कि सबसे पहले लोकपाल बने थे जस्टिस पी सी घोष हम लोग पढ़ते ना एंटी करप्शन ब्यूरो है ना जो आपने कमेटी का नाम पढ़ा होगा क्या नाम था एल एम सिंघवी सिंघवी कमेटी जो थी उसके द्वारा इनको रिकमेंड किया गया था तो जो जस्टिस पी सी घोष थे वो सबसे पहले हमारे लोकपाल थे और लोकायुक्त तो जो सबसे पहले आया महाराष्ट्र में तो लोकायुक्त तो जो सबसे पहले आया वो कब आया आपके महाराष्ट्र में आ गए दोस्तों ठीक है अगला सवाल क्वेश्चन में पूछा जा रहा है ये नेक्स्ट क्वेश्चन क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग कैन बी डाउरी एज पर प्रोहिबिशन ऑफ डाउरी एक्ट ठीक है इसमें से राइट आंसर क्या होगा प्रॉपर्टी है वैल्यूबल सिक्योरिटी है या फिर ये दोनों है और इसमें से जो सही आंसर है दैट इज ऑप्शन बोथ प्रॉपर्टी भी है और वैल्यूबल सिक्योरिटी भी है ठीक है अगला सवाल पूछा गया कि विच ऑफ द फॉलोइंग डिस्ट्रिक्ट इज कॉल्ड एज द लैंड ऑफ द काउंटलेस स्प्रिंग्स तो निम्नलिखित में से किस जिले को अनगिनत झरनों की भूमि कहा जाता है रामबन है किश्तवार है अनंतनाग है या फिर डोडा है तो दोस्तों देखिए इसका जो राइट आंसर है इज ऑप्शन थ्री इज राइट अनंतनाग इज द करेक्ट ऑप्शन ठीक है अगला सवाल है पूछा गया कि, वुण वुण है कि द बेसिक ऑब्जेक्टिव ऑफ ह्यूम बिहाइंड द दिशमेंट ऑफ सो दोस्तों ए ओ ह्यूम ए ओ ह्यूम के बारे में जब हम लोग पढ़ते हैं तो इन्होंने इस्टबलिश किया था किसको? आईएनसी को इंडियन नेशनल कांग्रेस और इसकी स्थापना हुई थी अठारह में 1885 में इसके पीछे सबसे बड़ा एम क्या था तो आपको मालूम है कि ए ओ ह्यूम बोलता है लॉर्ड डफरिन को कि जहाँ पना तू सिगरेट हो तोपा कबूल करो है ना आई है टुडे आई सी अ ड्रीम है ना उसने बोला कि लॉर्ड डफरिन को कि भाई साहब देखो आज मैंने एक सपना देखा सपना बड़ा भयानक था तो डफरिन ने भी बोला भाई साहब क्या था सपने में तो उसने बोला कि सपने में मैंने देखा कि भारत की जनता एक बहुत बड़ा विद्रोह प्लान कर रही है और 1857 जैसी चिंगारी ज उठेगी डफरिन परेशान हो गया कि भाई ऐसे तुमने सपना कैसे देख लिया कि सदर पे तुम बोल रहे हो तो बोलो कि आ, बोला कि बोला आज के समय में में जो न्यूज़पेपर लिखा जा रहा है, 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 है कुछ तो खिचड़ी पक रही है दूसरा वो बोलता है कि मेरे जो गुप्त जासूस है उन्होंने मुझे आवाज दी है वो भी बोलता था ह्यूम कि मेरे जासूस चारों तरफ देश में फैले हुए हैं तो उसने बोला भाई जासूसों से जानकारी मिली है फिर बोलते हैं कि मेरे एक गुरु जी है मेरे जो बाबा हैं गुरु जी हैं वो मुझे सपने में आकर के बोल के गए कि बेटा ठीक है प्रिय चेला प्रिय शिष्य भारतीय विद्रोह प्लान कर रहे हैं तो फिर बोलता है डेफरेंट ओके नाव वट वी कैन डू हम लोग क्या कर सकते हैं उसने बोला आई हैव एन आइडिया हमें फाउंड करना चाहिए एक पार्टी को और ये जो भारत के लोग हैं इस पार्टी के आधार पर संतुष्ट रहेंगे सेटिस्फाइड रहेंगे और अपनी डिमांड हम तक पहुंचाते रहेंगे तो एक कह सकते हो कि ये जो टूल था ये किस तरह का टूल था एक सेफ्टी वॉल्व था भारतीय लोगों को पैसिफाई करने के लिए शांत रखने के लिए और इस पार्टी के थ्रू वो लोग क्या करते मीटिंग मीटिंग खेलते रहते तो शुरुआत में जितनी आईएनसी की मीटिंग हुई उसमें कांग्रेस के वो अंग्रेज लोग भी जाया करते थे चाय पीते वड़ा, वड़ा पाव खाते और चले जाते बाद में आईएनसी ने क्या किया कि इन मीटिंग्स को अलग अलग गाँवों में फैला दिया आप देखोगे कि, कि जब भी कांग्रेस की मीटिंग होती है तो एक फिक्स जगह पर नहीं होती रोटेट होती रहती है पूरे भारत में घूमती है शहर में गांवों में और फिर उनका उद्देश्य यही था पूरे भारत को जोड़ना सभी तक अपनी आइडियोलॉजी को पहुंचाना तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है दैट इज ऑप्शन सेकेंड इज द राइट आंसर जॉन साइमन दोस्तों आपको मालूम है गठन हुआ था उन्नीस में छह मेंबर थे सभी गोरे लोग थे इसमें अंग्रेज थे तो इसका विरोध हुआ गो बैक साइमन उन्नीस में भारत में पहुंचता है ये और जो टाइचरी लॉ था गवर्नमेंट ऑफ इंडिया सॉरी जो एक्ट 1919 उसको 19 रिव्यू करने के लिए भारत में आए हुए थे ठीक है अगला सवाल देखिएगा दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन तो चलिए दोस्तों यहाँ पे हो जाता है हमारा सेशन ख़त्म सेशन को लाइक कर दीजिएगा शेयर कर दीजिएगा और बाकी पी के लिए ज्वाइन कर लीजिएगा टेलीग्राम ग्रुप को टेलीग्राम ग्रुप का नाम है दरिजा स्यूस टेक्स बुक ठीक है जितने लोगों ने अभी भी ज्वाइन नहीं किया कर सकते हैं और बाकी दोस्तों आज है आपका आखिरी दिन ब्लॉकबस्टर सेल का जहां पर मिल रहे हैं डेली 500 पठान मूवी के टिकट्स और साथ में नबे परसेंट का डिस्काउंट लोएस्ट प्राइस पर और यह तभी मिलेगा जब आप कूपन कोड यूज करेंगे दरिजा एस एच आई वी के टी टू गेट द मैक्सिमम डिस्काउंट तो इसका इस्तेमाल कर लीजिए दोस्तों और बाकी तीन बजे अभी आपसे मुलाकात होगी मास्टर क्लास में तो मास्टर क्लास में मिलिएगा गाइस ठीक है हाँ बिल्कुल ठीक है सो थैंक यू सो मच गाइस थैंक यू सो मच बाय बाय टेक केयर एंड यस एज ऑलवेज गॉड ब्लेस यू ऑल अपना फीडबैक जरूर दिया करिए ठीक है so, सो आप सभी के फीडबैक का इंतजार रहेगा Thank you so much.